आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है, एक बिंदु स्रोत से अपसरित प्रकाश में से प्रत्येक दशा में किस प्रकार का तरंगार्ग मिलता है, हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए हाइगेंस के सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि अगर कोई प्रकाश स्रोत है तो उससे उत्सर्जित प्रकाश होती है, जब वह माध्यम में फैलते हैं तो माध्यम के जिस स्थान पे वह तरंग पहुंचती है वहां पे विक्षोभ उत्पन्न होता है। इसी सिद्धांत पे उन्होंने तरंग सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो उसके अनुसार अगर हम देखें तो एक बिंदु स्रोत बोला जा रहा है, तो मान लेते हैं ये S एक बिंदु स्रोत है। ठीक है, और इससे प्रकाश उत्सर्जित हो रही है, तो प्रकाश उत्सर्जित होने से क्या होगा कि प्रकाश जिस बिंदु पे, सतह के जिस बिंदु पे, माध्यम के जिस बिंदु पे पहुंचेगी वहां पे क्या होगा, कणों में कंपन होगा। ठीक है, और समान कला में, तो यहाँ पे S को अगर मान करके हम एक सतह खींचे, ठीक है, मान ले रहे सिग्मा ये सतह है, तो यहाँ पे क्या होगा कि इससे जो निकली तरंगार्ग होगी, इससे जो निकली प्रकाश होगी वह इस सतह पे जितने भी कण होंगे, ठीक है, वह क्या होंगे, समान कला में कंपन कर रहे होंगे। ठीक है, समान कला में कंपन कर रहे होंगे। ठीक है, तो इससे एक प्रकार का क्या बनता है, इस तरह से इसके लिए तरंगार्ग निकलता है जो सभी दिशाओं में समान रूप से प्रकाश को क्या करता है, फैलाता है। ठीक है, इसे केंद्र मान करके ये इस तरह से प्रकाश का तरंगार्ग ये बनता है। ठीक है, और यह तरंगार्ग जो है किस आकृति का बनता है, ये गोलीय तरंगार्ग होता है, गोलीय तरंगार्ग। ठीक है, जिसमें बिंदु स्रोत क्या होता है, केंद्र की तरह कार्य करता है। ठीक है, और तरंगार्ग के लंबवत दिशा में प्रकाश संचरण की दिशा होती है। तो अगर देखिए यहाँ पे ये तरंगार्ग है, तो देखिए तरंग की जो चलने की दिशा होगी, मतलब हम कह सकते हैं किरण की जो दिशा होती है वह क्या होती है, तरंगार्गों पे लंबवत होती है। ठीक है, तो प्रकाश की जो उत्सर्जन होगा वो किस प्रकार से होगा, इस प्रकार से सभी दिशाओं में समान रूप से फैलता है। ठीक है, और यह तरंगार्ग किस प्रकार का होता है, गोलीय तरंगार्ग होता है। तो एक बिंदु स्रोत से उत्पन्न तरंगार्ग की आकृति क्या होती है, गोलीय होती है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा, आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।